हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। स्वागत है आपके इस चैनल पर ECLE के। और आज हम जो WH के जो वर्ड है जिसकी लास्ट सीरीज है, इसलिए मैंने इसकी स्पेशल क्लास ली है यूज ऑफ वर्ड की। यह आपकी WH वर्ड की लास्ट क्लास होगी मेरी तरफ से। और अगर WH वर्ड होंगे अब मुझे मिलते हैं तो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक के लिए तो यह लास्ट वर्ड है आपके लिए। और दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। एंड साथ ही आज दीपावली है जिसको हम दीप दानोत्सव भी कहते हैं, तो आपको उसकी हार्दिक मंगल कामनाएं। मैं इवनिंग टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ दिन भर का काम ख़त्म करके, इसलिए मैंने सोचा कि एटलीस्ट आई शुड मेक वीडियो बिकॉज टुडे इज दिवाली एंड आई कैन गिव द मैं आपको शुभकामनाएँ दे सकूँ और आपके लिए कुछ पढ़ा भी दूँ। ओके, सो दिवाली तो चलो मनाते रहेंगे और हर साल दिवाली आती है और आएगी। ओके, लेकिन पढ़ाई हमें करती रहनी चाहिए क्योंकि पढ़ाई का एक टाइम रहता है। अगर हम टाइम पे सही टाइम पे अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं, सही टाइम पे हम इंग्लिश को सीख लेते हैं या जो भी कर रहे हैं उसको सही टाइम पे अगर हम कर लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। सो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो आपके तक पहुँच सके। और साथ ही साथ जो इंग्लिश आप जो सीखना चाह रहे हैं, जो इंग्लिश की आपको ललक है कि एस आई मस्ट लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना ही चाहिए, अंग्रेजी बोलना ही आनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल, अगर आपको लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़रूर ECLE को अगर अच्छा लगेगा तो आप फॉलो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को यूज़ ऑफ वॉट की जो लास्ट सीरीज है आज की क्लास में। और बिल्कुल भी क्लास में आपको बोर नहीं होना है, आपकी नज़र सिर्फ उस बोर्ड पर रहे और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप किया हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आप पर छूट जाए और कोई अच्छी जो नॉलेज है आप मिस कर सकते हैं। सो कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और पेशेंस के साथ देखें। साथ ही वीडियो के देखने के बाद आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना भी है, यूज़ भी करना है। मैं आपको बताऊंगा यूज़ कैसे किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि हमें इनका यूज़ कैसे करना है। डब्ल्यू का जैसे सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड क्लास यूज़ ऑफ वर्ड की, और मैंने 5 वर्ड आपके लिखवा दिए थे, तो आपके स्पोकन के पर्पज़ से यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अपन इसके माध्यम से आप अच्छे से अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है और मुझे इसमें इस सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है। तो ट्रांसलेशन के पर्पज़ से और स्पोकन के पर्पज़ से मैं कह सकता हूँ कि यह आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन को पूछने के लिए या क्वेश्चन को समझने के लिए कन्वर्सेशन में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन के पर्पज़ से। सो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सो पहला वर्ड लेते हैं आज का, पहला वर्ड है फॉर वॉट पर्पज़। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दूँगा, यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर वॉट पर्पज़। फॉर वॉट पर्पज़ मीन्स होता है किस उद्देश्य से, फॉर वॉट पर्पज़ किस उद्देश्य से, तुम किस उद्देश्य से डॉक्टर बनना चाहते हो, ये पढ़ा नहीं है लेकिन बना सकते हो तो बना सकते हैं, या वह किस उद्देश्य से सोल्जर है, उसका क्या उद्देश्य है कि वह सोल्जर है, सैनिक है, उसका कोई उद्देश्य होगा। ओके, तो बना सकते हैं फॉर वॉट पर्पज़ इज ही सोल्जर। ओके, ऐसे पास्ट में बना सकते हैं अबाउट वॉट, अबाउट वॉट मीन्स होता है किस बारे में, आप किस बारे में, आपने किस बारे में बात की, तो क्या बताएंगे अबाउट वॉट डिड यू टॉक या अबाउट वॉट डिड यू से, बना सकते हैं कि नहीं। और थर्ड वर्ड है अपना जो इम्पोर्टेंट वर्ड है एट वॉट प्लेस, एट वॉट प्लेस मीन्स किस जगह है, तुम्हारा घर किस जगह है, बोल सकते हैं ना। मैं घर का उदाहरण बहुत ज़्यादा देता हूँ, मैं बोल सकता हूँ या फिर हम बोल सकते हैं स्कूल किस जगह पर है, स्कूल किस जगह पर, तुम्हारी स्कूल किस जगह पर है, हम बोल सकते हैं ऑन व्हाट मैटर किस बारे में, ये इसका मतलब भी होता है किस बारे में। तो यह तो मतलब
ये मैटर के बारे में यूज होता है, इसका भी यूज होता है, अबाउट व्हाट या किस बारे में, तो इसका मीनिंग एक है, इसका हिंदी सेंस एक है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। आप इसको बोल सकते किस बारे में, किस मैटर, तो जैसे कोई इशू रहता है, कोई इशू रहता है, कोई मुद्दा रहता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये मैटर होता है, किस मैटर में। ये अबाउट व्हाट ये जनरल मैटर के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, मुझे यहाँ तक मुझे लगता है कि आप जनरल मैटर के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि अबाउट मैटर What was you talking about, matter was you talking, किस बारे में बात कर रहे थे। On the matter मैं समझता हूँ कि issue होगा, issue के पर्पज से जो कोई भी issue हो सकता है। issue means होता है मुद्दा, अगर हिंदी में बोले, जैसे कोई मुद्दे पर अगर हम बात करें तो हम इसका उपयोग करेंगे। On what matter, किस बारे में यह मुद्दा है, बोल सकते हैं यह मुद्दा किस बारे में है, तो वो क्या बना सकते हैं। ऑन व्हाट मैटर इज दिस इशू, तो ये हम आसानी से हम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है व्हाट एल्स। व्हाट एल्स मीन्स और क्या, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, तुम और क्या जानते हैं, व्हाट एल्स डू यू नो, कर सकते हैं बहुत आज से। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं पढ़ा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्यूरियोसिटी बनाने के लिए। ओके, शो बो, तो क्या, तो यह हम शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं, सो वॉट, तो क्या होगा, बोल सकते हैं व्हाट काइंड और व्हाट टाइम। ये ध्यान रखना, व्हाट काइंड या टाइप, इसका किसी भी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट टाइम, तुम किस प्रकार के नॉलेजेबल हो, तुम्हें किस प्रकार का ज्ञान है, बोल सकते हैं। तो व्हाट काइंड हैव यू नॉलेज या व्हाट टाइप हैव यू नॉलेज बना सकते हैं। अप टू व्हाट, अप टू बैट मीन्स होता है कब तक, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग भी मतलब भी कब तक होता है, और दो तीन और मैंने पढ़ा तो उसका मतलब भी कब तक होता है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको यूज़ कर सकते हैं इसको भी, टाइमिंग के सेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तुम कब तक घर पर हो, अप टू व्हाट टाइप आर यू एट होम, बोल सकते हैं ईजीली। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते। तो यह आज की वीडियो थी, आपके आज वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएँ, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं मंडे को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।